जहां तक जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन का सवाल है, तो पिछले 4 महीनों में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आई है, मिलिटेंट्स के रिक्रूटमेंट में भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ कमी आई है। पिछले कुछ महीनों में जम्मू और कश्मीर में जिंदगी जीने के लिए लोगों को जद्दोजहद न करनी पड़े, इसके लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां के यूथ को हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंगेज करना चाहते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, ये तीनों इलाकों में डेवलपमेंट की रोशनी पहुंचे, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के इंप्लीमेंटेशन में इधर काफी तेजी आई है और श्रीनगर की सबसे एक मशहूर, केवल श्रीनगर की ही नहीं, जम्मू की ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे मशहूर लेक डल लेक को फिर से खूबसूरती देने के लिए 350 करोड़ से ऊपर की धनराशि स्वीकृत की गई है। डल लेक, श्रीनगर ही पूरे जम्मू और कश्मीर की पहचान से जुड़ी है। जिस दिन डल लेक बदल जाएगी, उस दिन बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई नजर आएंगी। जम्मू और कश्मीर आजादी के बाद से आज तक एक डेवलप्ड स्टेट नहीं बन सका। हम लोगों की कोशिश है कि भारत के एक डेवलप्ड स्टेट के क्यू में आकर हमारा यह जम्मू कश्मीर स्टेट भी खड़ा हो जाए। इसके लिए अपनी तई हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी रही है, क्योंकि जब भी यहां मैं डेलीगेशन से मिलता रहा हूं तो यहां के करप्शन के बारे में लोगों ने चर्चा समय समय पर की है। इसके बारे में भी हम लोग एक मेजर स्टेप लेने जा रहे हैं।